श्री गुरु नानक देव जी ते भाई मरदाना जगत का उद्धार करते करते एक बारी उत्तराखंड पहुँच गए। जिस जगह ते गुरु जी ने अपना डेरा लगाया सी, ओ जगह सिद्धां नाल भरी हुई सी। उस इलाके विच सिद्धां दा बहुत दबदबा सी, क्योंकि सिद्ध अपनियां करामातां दे जोर ते भोले भाले लोकां नूं डरा के रखदे सन। जदों श्री गुरु नानक देव जी कुछ दिनों लई उस इलाके विच ठहरे, तां एक दिन भाई मरदाना जी गुरु जी नूं आखण लगा कि गुरु जी, मेरा अज दुध पीण नूं बड़ा जी कर रहा है, जेकर तुहाडी कृपा होवे तां मैं किसे कोलों दुध मंग के लै आवां। तां गुरु जी ने भाई मरदाने नूं कहा कि मरदानिया, असीं तां इत्थे सिद्धां दे मेहमान हाँ, ते तूं एक काम कर कि उन्हां सिद्धां कोल जा ते अपने पीण गुजारा दुध मंग के लै आ। भाई मरदाना जी गुरु जी की आग्ञा लैके सिद्धां कोलों दुध मंगण लई चले गए, पर सिद्धां ने भाई मरदाना जी नूं दुध देण तों कोरी ना कर दित्ती, क्योंकि सिद्ध तां पहलां तों ही दुखी होके बैठे हुए सन कि गुरु जी साडी इजाजत तों बिना साडे इलाके विच आ के रह रहे हन, ते उन्हां ने भाई मरदाने नूं दुध देण तों जवाब दे दिता। तां भाई मरदाना जी दुखी हिरदे नाल खाली हथ वापिस गुरु जी कोल पहुँच गए ते सारी गल जा के गुरु जी नूं दसी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी कोलों भाई मरदाना जी का उदासी चेहरा देखिया नहीं गया, ते ओ आखण लगे कि मरदानिया, ओ जिहड़ा सामने पानी वाला खूह दिखाई दे रहा है, उस विच्चों एक गड़वा पानी का लैके आ। तां भाई मरदाना जी पानी लैण लई खूह वल चल पए, ते दुखी हिरदे नाल सोचदे जाण कि मैं तां गुरु जी कोल दुध की बेनती कीती सी, पर इह मैनूं पानी पिला रहे हन। सोचदे सोचदे भाई मरदाना जी खूह विच्चों पानी कढ के गुरु जी पास लै आए। तां गुरु जी भाई मरदाने नूं कहण लगे कि मरदानिया, इस पानी का एक घुट भर के देख। तां जदों भाई मरदाना जी ने उस खूह दे पानी का गड़वे विच्चों एक घुट पीता, तां उन्हां नूं पानी विच्चों दुध का स्वाद आया। तां भाई मरदाना जी ने बड़े ही स्वादां नाल उस खूह दे पानी नूं पीता ते नाले सिद्धां नूं भी पिलाया। गुरु प्यारिओ, जिस जगह ते गुरु जी ने यह कौतक वरताया सी, उस जगह ते अज एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम दुध वाला खूह है, ते यह गुरुद्वारा उत्तराखंड विच नानक मता गुरुद्वारा दे पास है। सतनाम श्री वाहिगुरु।